सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे DSLR फ्रेंचाइजी के बारे में। जैसे कि DSLR ब्रांड में जो है सोनी है, कैनन है, निकन है या फिर फूजी फिल्म है और बहुत सारे और भी ब्रांड के जो DSLR हैं वो आते हैं। तो मेनली हम बात करेंगे बिजनेस पर्पस के ऊपर में कि आप अगर ऑफिशियल तरीके से DSLR ब्रांड के ऊपर में डीलिंग करना चाहते हो तो आप किस तरीके से जो DSLR ब्रांड है उनका फ्रेंचाइजी ले सकते हो, उसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगा और कितना टाइम के ऊपर में आपको जो फ्रेंचाइजी है वो मिलेगा और क्या प्रोसीजर जो है ओवरऑल होने वाला है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। आप अगर DSLR फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो वो कहां से आपको अप्लाई करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि DSLR फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, आज के डेट पे आप अगर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी टाइप का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है GST नंबर तो लेना आपके लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा आपका खुद का ID प्रूफ होना चाहिए और आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद में आपका दुकान का जो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिक बिल है वो आपके पास में होना चाहिए और आपके पास में एक करंट अकाउंट जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 4-5 डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला है GST नंबर, दूसरा है दुकान का रेंट एग्रीमेंट, तीसरा है दुकान का जो इलेक्ट्रिक बिल, चौथा है करंट अकाउंट और आपका ID प्रूफ। ठीक है, उतना ही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इजीली जो फ्रेंचाइजी है वो मिल जाएगा। तो अभी हम मेनली बात करते हैं पैसा कितना लगेगा, कि कितना इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो फ्रेंचाइजी के ऊपर में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं और जो कैटेगरीज है वो डिसाइड होता है आपके सिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अगर कोई नॉर्मल सिटीज के ऊपर में आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हो तो वहां पे आप सी कैटेगरी या फिर बी कैटेगरी का जो फ्रेंचाइजी स्कीम है वो ले सकते हो, या फिर आप अगर मेट्रो सिटी या फिर कोई बहुत बड़े सिटी के ऊपर में आप अगर कोई बहुत बड़ा शोरूम खोल के फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो वहां पे आप ए या फिर ए प्लस कैटेगरी का जो स्कीम है वो ले सकते हो फ्रेंचाइजी के ऊपर में, और उसी हिसाब से जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिसाइड होता है। बट यहाँ पे अगर हम कुल मिला के देखा जाए तो 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो दिया जाता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए। अब ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसका क्या सीन रहता है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम सी कैटेगरी का फ्रेंचाइजी और ए प्लस कैटेगरी का जो फ्रेंचाइजी है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हो तो ब्रांड आपको जो है प्रोमोशन के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपको देता है। ठीक है, तो आप अगर कैमरे का फ्रेंचाइजी लेते हो, मान लो आपने कैनन का जो फ्रेंचाइजी है वो लिया, तो कैनन का जितने भी सारे प्रोमोशन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो कैनन आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा कैनन का जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं वो आप तक जो है पहुँचाए जाएंगे और उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसका क्या सीन होता है, देखो आप अगर जो भी प्रोडक्ट आपके दुकान में आएंगे उन प्रोडक्ट को आप सेल करोगे और मंथ के एंड में कैनन को आप पेमेंट करोगे। ठीक है, और आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वैसा का वैसा रहेगा। आप इन केस अगर इन फ्यूचर कभी भी जो फ्रेंचाइजी है उसको कैंसिल करते हो, आप जो डीलरशिप है उसको कैंसिल करते हो, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट जितना आपने डिपॉजिट किया वो आपको वापस दे दिया जाएगा। यही सीन होता है फ्रेंचाइजी का जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसका। तो अभी हम बात करते हैं कि सी कैटेगरी के और ए प्लस कैटेगरी के जो फ्रेंचाइजी स्कीम है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखो, आप अगर सी कैटेगरी का जो फ्रेंचाइजी स्कीम लेते हो तो वहां पे आपको जो है दूसरे तरीके से जो कमीशन रेट है वो डिसाइड होंगे, आपको दूसरे तरीके से यानी कम आपको कमीशन रेट मिलेगा। वहां पे आपको जो प्रमोशन के लिए जो भी सारी चीजें मिलेंगे वो अलग टाइप से मिलेंगे। और आप अगर ए प्लस कैटेगरी का जो फ्रेंचाइजी स्कीम लेते हो तो वहां पे आपको जो कमीशन रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, यानी ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा जो प्रमोशन से रिलेटेड है वो काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और ब्रांड जो है टाइम टू टाइम ऑफर से रिलेटेड या फिर जो प्रमोशन वगैरह है वो आपके दुकान के ऊपर में करता रहेगा, हर हमेशा उनका प्रमोशन जो है चलता रहता है। उसके अलावा ब्रांड का जो भी सेलर्स होते हैं, जो भी वहां उनके जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनका जो स्टाफ होते हैं वो आपके दुकान में रहेंगे। यानी आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े शोरूम में जो है कैनन का, निकन का जो बंदे रहते हैं, जो सेल्समैन रहते हैं वो होते हैं, तो वो
आप तक जो है ब्रांड प्रोवाइड करेगा और उन सबका जो सैलरी वगैरह है वो ब्रांड देखेगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शोरूम ओपन करना है, फ्रेंचाइजी लेना है और प्रोडक्ट को रखना है, बाकी सारा चीज जो है आपका ब्रांड संभाल देगा। और ये जो है डिफरेंस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑफर से रिलेटेड डिफरेंस होते हैं कि आप अगर सी कैटेगरी के फ्रेंचाइजी लेते हो तो वहां पे आपको दूसरे टाइप के ऑफर्स मिलेंगे और ए प्लस कैटेगरी में आपको कुछ अलग टाइप के ऑफर्स जो है मिलेंगे। और ये जो ऑफर्स है ये कस्टमर के लिए ऑफर्स नहीं है, ये जो है उस सेलर के लिए, उस डीलर के लिए ऑफर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। और आप अगर ये जो फ्रेंचाइजी है इसको लेना चाहते हो तो कैनन का फ्रेंचाइजी आप अगर लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल लूँगा। कैनन और निकॉन का जो फ्रेंचाइजी है आप जो नीचे दिए गए लिंक है वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके आप जो आपका डिटेल्स है, आपका मोबाइल नंबर, आपका बिजनेस डिटेल दे के आप OTP से सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में वेरिफिकेशन कॉल आएगा और आपको जो भी सारा डिटेल्स है वो मांगा जाएगा। और उसके अलावा आगे का जो प्रोसेस है वो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर मैं क्लिक करके जो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड जो भी सारा डिटेल्स है वो दे सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखो, फ्रेंचाइजी के लिए ना आपका जो दुकान है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और उसका जो रिक्वायरमेंट है उसका डिटेल भी आपको जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को आप एक बार देख लेना। और एक बॉन्ड भी साइन होता है, एक बॉन्ड पेपर भी साइन होता है कि आप जो है एक साल के बीच में जो फ्रेंचाइजी है उसको कैंसिल नहीं कर सकते या फिर पाँच साल के बीच में जो फ्रेंचाइजी है उसको कैंसिल नहीं कर सकते। इस तरीके का बहुत सारा जो बॉन्ड है और टर्म एंड कंडीशन है वो भी साइन होता है। तो सारी चीज़ों को आप एक बार देख के जो फ्रेंचाइजी है आप उसे जो है इजीली ले सकते हो। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिल जाएगा इंटरेस्टिंग सब वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।